नमस्कार दोस्तों दोस्तों रिसेंटली जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 96th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। चाइनीज एम्बेसी के सीनियर ऑफिसर ने कहा, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड, सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत में काम आए। चाइना जिम्बाब्वे के साथ अपने पारंपरिक दोस्ती को हमेशा संजोकर रखेगा और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमेशा जिम्बाब्वे की डिफेंस फोर्सेस की करीबी दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर बनके रहेगी। नाउ आप सोचोगे कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी एनिवर्सरी जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे में क्यों सेलिब्रेट कर रही है, उनको तो ये बीजिंग में सेलिब्रेट करना चाहिए था। और जिम्बाब्वे की डिफेंस फोर्सेस के साथ इनका क्या कनेक्शन है और चाइना का जिम्बाब्वे के साथ क्या रिलेशन है? दोस्तों चाइना लगातार अफ्रीकन रीजन में एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश में है और ये बेचारे अफ्रीकन्स भी इनको दरवाजा खोले दे रहे हैं। स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नाइजर, माली, अंगोला, बुर्किना फासो, ये सभी मिलिट्री सपोर्ट के लिए चाइना की तरफ झुक रहे हैं। अभी नाइजर में जो क्राइसिस चल रही है उसमें आप बार बार इकोवास का नाम सुनोगे, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स स्टैंड बाय फोर्स। इनको भी चाइना ने मिलिट्री सपोर्ट और ट्रेनिंग दी है। एक स्टडी के अनुसार चाइना ने पिछले 20 सालों में 47 अफ्रीकन नेशंस को मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी है, जिसमें सबसे ज्यादा चाइनीज मिलिट्री एड और सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंस जिम्बाब्वे को मिला है। दोस्तों चाइना जिम्बाब्वे का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। एग्रीकल्चर से लेकर कंस्ट्रक्शन तक बिलियंस ऑफ पाउंड्स में चाइना की हिस्सेदारी है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जिम्बाब्वे चाइना का एक डिपेंडेंट पार्टनर है, क्योंकि चाइना ने इनके एक्सपोर्ट्स के लिए इनको एक बड़ा मार्केट तैयार करके दिया है और इनकी फ्रेजाइल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट भी देती है। दोस्तों चाइना बहुत चालाक है, ये जिस भी अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं वहां पे ये लोग दो बातों को लेकर कभी छेड़छाड़ नहीं करते, एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन और दूसरा टेररिज्म। चाइना का सिंपल फंडा ये है कि ये गरीब देश हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इनको खूब सारा पैसा दो, इनको खूब सारा लोन दो, इनके देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाओ, इन्वेस्टमेंट्स कराओ, इनको मिलिट्री एड दो। और अफ्रीका में तो वैसे ही स्किल और एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसेंटली एक स्टडी ने भी ये बताया कि 2050 तक 2.5 बिलियन अफ्रीकन्स लैक ऑफ नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स की वजह से स्ट्रगल करेंगे। तो जब ये हमारे लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स का पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, तब हम इनको अपने डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाएंगे, इनके देश में अपने मिलिट्री बेस बनाएंगे और इसी तरह चाइनीज मिलिट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जगह बनाएगी। दोस्तों यहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज मात खा गए। ये सब कुछ करेंगे, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, ये सब कुछ बनाएंगे, मगर साथ में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इशू भी उठाएंगे। ये है तो बहुत अच्छी बात, मगर अफ्रीकन्स को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी तरह अफ्रीकन्स की भी कॉलोनाइजेशन और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री रही है। ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच सभी ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का नेचर है दखल अंदाजी करने का, तो अफ्रीकन्स अपनी सोवरेंटी को वैल्यू देते हुए कहते हैं कि हम अपने डिसीशंस खुद लेंगे विदाउट यूएस और एनी अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो आज से 20 साल पहले साल 2002-2003 में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर जब यूएस ने गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे पर सैंक्शंस लगा दिए थे, इनके डिफेंस आइटम्स एंड सर्विसेज पे बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे इंटरनेशनल मार्केट से पूरी तरह कट गया था, तब चाइना ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, एयरपोर्ट्स और रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए इनको फाइनेंस करना शुरू किया था। दोस्तों चाइना अफ्रीका रिलेशंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि पिछले 30 सालों से हर न्यू ईयर पे चाइना का फॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले अफ्रीका को विजिट करने जाता है और ये चीज अफ्रीकन्स को बहुत अच्छी लगती है। मगर जैसे कि हम बात कर रहे थे चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन के बारे में, तो इसमें रशिया का भी बहुत बड़ा रोल है। 1950s और 60s में जब अफ्रीका में एंटी कॉलोनियल लिबरेशन मूवमेंट्स होने शुरू हुए थे, तब से रशिया अफ्रीकन्स को उनकी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए उनको मिलिट्री हार्डवेयर, फिर उनके ट्रूप्स को ट्रेनिंग और वेपन्स देकर सिक्योरिटी असिस्टेंस देता रहा है। मगर अभी यूक्रेन वॉर की वजह से काफी समय से अफ्रीका में रशियन मिलिट्री सपोर्ट को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है।
रशिया अफ्रीका की मिलिट्री नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसी समय चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपनी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स को पुश करने के लिए। ठीक ऐसे समय पे जब रशिया वॉर में बिजी है, चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को तेजी से बढ़ाने में लगा है। और कोई ताज्जुब नहीं है कि जिस तरह से आप देखो कि रशिया यूक्रेन वॉर को 1.5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये वॉर कब खत्म होगी। इतने में चाइना अफ्रीका में रशिया के पूरे मार्केट शेयर को खा जाएगा। हालांकि चाइना का डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन केवल अफ्रीकन कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए 15 अफ्रीकन कंट्रीज में प्राइवेट मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को तैनात करके रखा है। नाउ फाइनली चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशन को लेकर मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के ओपिनियंस जानना चाहूंगा। आई विश यू ऑल ए वेरी गुड हेल्थ। जय हिंद।